फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, डॉक्टर झटका किस कार्टून धारावाहिक के पात्र हैं? ए शिवा, बी रुद्रा, सी छोटा भीम या डी मोटू पतलू। विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने किया प्रेस वार्ता, कई महत्वपूर्ण बातों की दी जानकारी। भागलपुर जिले में बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में दो विधानसभा सुल्तानगंज और कहलगांव में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। सुल्तानगंज विधानसभा से कुल 18 प्रत्याशी और कहलगांव से कुल 15 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है। स्क्रूटनी के बाद प्रचार प्रसार होनी शुरू हो जाएगी। डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि मतदान की सारी तैयारी चल रही है। वहीं कहलगांव जाने के रास्ते NH-80 के सवाल पर बताया कि 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक NH-80 की 30 किलोमीटर तक सघन मरम्मती होगी ताकि मतदान तक सड़क मोटरेबल रहे। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि जो भी ऐसे प्रत्याशी हैं जिसके खिलाफ अपराधी इतिहास रहा हो, वह प्रत्याशी 3 बार अपने से प्रेस के माध्यम से अपना पूरा डिटेल प्रकाशित करेंगे। वहीं दूसरी ओर भागलपुर SSP आशीष भारती ने बताया कि 2 फेज में मतदान होना है। अभी तक 257 लोगों के विरुद्ध CC एक्ट की सूची भेजी जा चुकी है। वहीं 51 स्थान पर चेक पोस्ट लगाकर चेकिंग की जा रही है। 174 सेक्टर बनाया गया है। जो द्वितीय चरण के अंतर्गत जिन विधानसभा क्षेत्रों में नॉमिनेशन प्रक्रिया प्रारंभ हुआ है, नाम निर्देशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसके संबंध में विस्तार से बताने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की गई है। इस जिले में 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। प्रथम चरण में कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का नाम निर्देशन समाप्त हो चुका है और आज से द्वितीय चरण में 5 जो अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं, गोपालपुर, बिलपुर, नाथनगर, भागलपुर सदर और पीरपैंती, आज से इसका नॉमिनेशन शुरू हो गया है और नॉमिनेशन करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2020 है, जो कि शुक्रवार का दिन है। 16 अक्टूबर 2020 तक नॉमिनेशन किया जा सकता है। नॉमिनेशन जो प्राप्त रहेंगे, नाम निर्देशन के जो भी प्रपत्र प्राप्त रहेंगे, उसकी संवीक्षा स्क्रूटनी 17 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन की जाएगी और अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर सोमवार है और पूरी यह निर्वाचन प्रक्रिया जो ये जो वोटिंग होनी है, इसका 3 नवंबर को मतदान होना है इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में। इन सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, भागलपुर सदर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, जो कि अपने अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उनके यहाँ नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त किए जाएंगे। इसी प्रकार नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए अपर समाहर्ता राजस्व हैं, जो कि अपर समाहर्ता राजस्व के कार्यालय प्रकोष्ठ में नाम निर्देशन प्राप्त किया जाएगा। बीरपुर के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता नौगछिया निर्वाची पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा भी DCR के कार्यालय प्रकोष्ठ में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाएगा। इसी प्रकार गोपालपुर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी नौगछिया निर्वाची पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा भी अनुमंडल पदाधिकारी के लिए निर्धारित चिन्हित कार्यालय प्रकोष्ठ में निर्वाचन प्राप्त किया नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाएगा। पीरपैंती के लिए, जो कि सुरक्षित सीट भी है, यहाँ के लिए DC LR कहलगांव निर्वाची पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा भी DC LR के लिए निर्धारित जो कार्यालय प्रकोष्ठ है उसमें नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाएगा। इसमें तो ऑलरेडी आप लोगों को बताया है और प्रेस में विज्ञप्ति के माध्यम से विज्ञापन भी हम लोगों ने निकाला है। जो बैठक हम लोगों ने की थी, हमने और SSP भागलपुर और कार्यपालक अभियंता NH और जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग, उन लोगों के साथ बैठक करके हम लोगों ने निर्धारित किया है कि
इस पूरे पद को काफी सुविधा से मेंटेन कराया जाना आवश्यक है, क्योंकि निर्वाचन के मद्देनजर कई वाहनों का भी मूवमेंट होना है और कई जगह पॉटहोल्स हैं। तो 10 तारीख से 17 तारीख का एक ब्लॉक लिया गया है। इस ब्लॉक में कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया गया है कि इस 7 दिनों की अवधि में उस पथ को सुगम बनाना सुनिश्चित करेंगे और इसके लिए उनके द्वारा व्यापक तैयारी और इंतजाम किए गए और हम लोग आश्वस्त हैं कि इन 7 दिनों में उस सड़क को बेहतर करेंगे। नवगछिया, पहले दिन कोई नामांकन नहीं, नामांकन को लेकर सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम, एक ने कटाया एनआर। नवगछिया अनुमंडल के बीहपुर एवं गोपालपुर विधानसभा में दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के नामांकन के पहले दिन 153 गोपालपुर विधानसभा के लिए एक निर्दलीय प्रत्याशी ने एनआर कटाया है। एनआर नवगछिया प्रखंड के मददपुर पंचायत के प्रेम शंकर सिंह ने कटाया है। हालांकि नामांकन के पहले दिन एक भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। नामांकन को लेकर नवगछिया अनुमंडल प्रशासन स्तर से विधि व्यवस्था के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नवगछिया अनुमंडल के मुख्य गेट उपगारा गेट के पास, हाजत के पास, पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। अनुमंडल के मुख्य गेट से सिर्फ प्रशासनिक एवं न्यायिक पदाधिकारी को ही प्रवेश दिया जा रहा था। मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय के पास उपगारा के बगल वाले रास्ते को नामांकन अवधि तक वन वे किया गया था। उक्त रास्ते से होकर वाहनों को अधिवक्ता भवन के सामने वाले रास्ते से NH 31 पर निकाला जा रहा था। राजद के गोपालपुर विधानसभा प्रत्याशी बने शैलेश कुमार। राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व विधायक भोला यादव ने शुक्रवार को राजद नेता शैलेश कुमार को राजद का प्रत्याशी घोषित किया है। जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने कहा कि संगठन में एक आम कार्यकर्ता को सिंबल मिलना एक बहुत बड़ी बात है। नवगछिया के थाना चौक से मकनपुर चौक तक लगा रहा भीषण जाम, NH 31 पर भी लगा रहा जाम। नवगछिया शहर को जोड़ने वाली सड़क पर थाना चौक से मकनपुर चौक तक भी पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। उक्त सड़क के जाम रहने के कारण मकनपुर चौक के पास NH 31 पर भी जाम लगा हुआ था। नवगछिया बाजार जाने वाली सड़क पर जाम रहने के कारण लोगों को मकनपुर चौक से बाजार आने में भी एक घंटे से अधिक का समय लग रहा था। वहीं सड़क जंजर व कीचड़मय होने के कारण लोग पैदल भी नहीं निकल पा रहे थे। जाम लगने का मुख्य कारण FCI गोदाम से बड़ी संख्या में ट्रक व ट्रैक्टर की आवाजाही होने एवं कीचड़मय जंजर सड़क में वाहनों के फंस जाने पर बार बार रेलवे संपार फाटक के बंद होने के कारण लग रहा था। मकनपुर चौक NH 31 पर जाम रहने के कारण NH पर भी दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। जाम से NH 31 पर मकनपुर चौक से पार करने में भी 20 से 25 मिनट समय लग रहा था। नवगछिया मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय में आर्ट साइंस का नामांकन शुरू। नवगछिया के मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय में सत्र 2020 से 2023 के स्नातक आर्ट्स और साइंस के लिए नामांकन शुरू हो गया है। महाविद्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि महाविद्यालय के साइट पर फीस जमा करने के लिए एक पेमेंट लिंक मिलेगा। पेमेंट सफलतापूर्वक भेज देने के बाद ही नामांकन पूर्ण माना जाएगा। छात्र छात्राओं को परेशानी ना हो इसके लिए एक पूछताछ काउंटर बनाया गया है। महाविद्यालय से 4 हेल्पलाइन नंबर 86 77 98 65 24 99 24 99 55 40 69 45 7 00 4 6 8 1 4 2 6 भी जारी किया गया है। जिन छात्राओं को परेशानी हो उपरोक्त नंबरों पर पूछताछ कर सकती हैं। नवगछिया के सराब कॉलेज में स्नातक पार्ट 1 का नामांकन हुआ शुरू। पहले दिन 20 छात्रों ने कराया नामांकन। स्थानीय बनारसी लाल सराब कॉमर्स कॉलेज में नए सत्र के लिए स्नातक पार्ट 1 का नामांकन शुक्रवार से शुरू हो गया। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रथम चयन सूची के आधार पर 16 अक्टूबर तक नामांकन कार्य जारी रहेगा। उक्त जानकारी सराब कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य मोहम्मद नईमुद्दीन के हवाले से कॉलेज के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी राजेश कनोडिया ने दी। उन्होंने यह भी बताया कि सराब कॉलेज का सभी कार्यालय कार्य इस समय कॉलेज के निकट खादी भंडार में किया जा रहा है, जहां नामांकन के प्रथम दिन 20 छात्रों ने स्नातक पार्ट 1 में अपना नामांकन कराया। डोलवज्जा मुकेश बने युवा जदयू जिला महासचिव। नवगछिया युवा जदयू इकाई की ओर से युवा जदयू जिलाध्यक्ष सोनू जायसवाल ने रंगरा के सधवा निवासी मुकेश कुमार निषाद को पार्टी के जिला महासचिव के पद पर मनोनीत किया है। जिलाध्यक्ष सोनू जायसवाल ने कहा कि मुकेश कुमार का पार्टी में आने से संगठन को मजबूती मिली है। मुकेश के मनोनयन पर जिला सचिव आशुतोष कुमार, रजनीकांत राय, अभिषेक भगत, विपिन मंडल व रणविजय मंडल के साथ अन्य युवाओं ने बधाई दी है। कदवा में कोरोना जांच शिविर में सबों की रिपोर्ट आई निगेटिव। कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुनामा प्रताप नगर के झपरू दास टोला में शुक्रवार को
कोरोना जांच शिविर लगाकर वहां के 125 लोगों की जांच की गई, जहां सबों का रिपोर्ट निगेटिव मिला है। जांच टीम में नौगछिया अस्पताल के मैनेजर ओम कुमार, चिकित्सक विजय कुमार, लैब टेक्नीशियन सर्वर जमा, फैसिलेटर बबीता कुमारी व डोलबजा के लिपिक उमाशंकर जायसवाल शामिल थे। गोपालपुर पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत सैकड़ों महिलाओं की हुई जांच। पीएससी गोपालपुर में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत सैकड़ों गर्भवती माताओं की जांच कर निःशुल्क आयरन व कैल्शियम की दवा दी गई तथा नाश्ता भी दिया गया। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय व लैब टेक्नीशियन आशीष कुमार चौधरी सहित बड़ी संख्या में एएनएम की मौजूदगी देखी गई। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नंबर 9534338689, 7856912231, 6206224713। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। सन्नी हत्याकांड 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, रेल SRP ने लिया परिजनों का बयान। नवगछिया के भवानीपुर निवासी फोटो पंडित के नाबालिग पुत्र सन्नी कुमार के हत्याकांड मामले में 3 दिन बाद भी रेल पुलिस किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है। दूसरी तरफ सन्नी के परिजनों को इस बात से मायूसी है कि उनके पुत्र की हत्या कर दी गई और पुलिस अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है। परिजनों ने बताया कि गुरुवार को उन लोगों का बयान कटिहार के पुलिस पदाधिकारी ने लिया था, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। परिजनों ने कहा कि हत्या से एक दिन पहले गाँव के ही बुट्टन शाह की पत्नी मीना देवी ने सन्नी के चाचा मिथुन को धमकी दिया था कि सन्नी ने उसके पुत्र बजरंगी से झगड़ा किया है, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं पूछे जाने पर थानाध्यक्ष शत्रुघ्न ने कहा कि मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है, जल्द ही मामले में सच सामने लाया जाएगा, फिर कानूनन संगत कार्रवाई की जाएगी। नारायणपुर 4 लोगों को पुलिस ने भेजा जेल। नारायणपुर के भवानीपुर पुलिस ने गुरुवार की रात्रि वाहन जांच में स्कॉर्पियो से 4,15,000 के साथ आधा बोतल अवैध विदेशी शराब के साथ सफेद रंग की स्कॉर्पियो जो खगड़िया से कोलकाता जा रहे थे, स्कॉर्पियो में सवार खगड़िया जिले के शुभेंदु आनंद, प्रतीक कुमार, बादल कुमार, राहुल कुमार सहित 4 लोगों में से 2 लोग शुभेंदु आनंद और राहुल कुमार का स्वास्थ्य जांच के दौरान PSC के चिकित्सक द्वारा शराब के नशे में होने की पुष्टि की गई। मामले को लेकर भवानीपुर OP में शराब के नशे में होने की प्राथमिकी दर्ज किया गया है, जबकि प्रतीक कुमार और बादल कुमार पर स्कॉर्पियो से शराब बरामद होने की प्राथमिकी दर्ज करते हुए शुक्रवार को स्कॉर्पियो में सवार 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के राघोपुर में 2 लीटर चुलाई शराब के साथ एक गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस जिला के परबत्ता थाना पुलिस ने राघोपुर के बिनटोली गांव से 2 लीटर चुलाई शराब के साथ मणिकांत राय को गिरफ्तार कर लिया है। नवगछिया कार के धक्के से खरीक PSC के स्वास्थ्य प्रबंधक और ANM घायल। विक्रमशिला पुल पहुंच पथ पर जगतपुर के समीप तेज गति से आ रहे कार ने बाइक सवार को सामने से ठोकर मार दिया, जिसमें बाइक सवार खरीक PSC के स्वास्थ्य प्रबंधक मधुकांत झा एवं उसी बाइक पर पीछे बैठी ANM पूनम कुमारी गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गए। संयोगवश पीछे से आ रहे अठगावा PSC के प्रभारी डॉक्टर संत कुमार अपने बाइक से भागलपुर जा रहे थे, उन्होंने दोनों घायलों को उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भागलपुर ले गए, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। चिकित्सकों द्वारा दोनों घायलों का पैर टूट गया है और शरीर के अन्य हिस्से भी घायल हो गया है। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।
अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, शीशम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली, संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप, नया टोला नौबतिया 9534338689 7856914231 6206224713